हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपने फर्स्ट वीडियो में ये सब सीखे। आज हम कंटिन्यू करेंगे हाउस होल्ड वर्क पेज नंबर 85 से। हाउस होल्ड वर्क यानी कि घर का काम। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। लेट अस रीड अबाउट। दीपाली एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दीपाली इज द एल्डर्स चाइल्ड इन द फैमिली। दीपाली अपने फैमिली की सबसे बड़ी लड़की है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल। उसके पापा वेजिटेबल बेचते हैं। ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके पापा हर सुबह मंडी जाते हैं सब्जी लाने के लिए। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। उसकी मम्मी कुछ घरों में बर्तन धोने का काम करती है। सी ऑल्सो लिव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो हर रोज घर का कुछ काम होता है उसे छोड़कर जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर। दीपाली अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए खाना बनाती है। सी क्लीन द हाउस एंड ऑल्सो वॉश द यूटेंसिल। अपने घर को साफ करती है और बर्तन धोती है। सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिस्टिंग टू द रेडियो। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। सी लिस्टन्स टू सॉन्ग्स विल सी वर्क्स। वो काम करती हुई सॉन्ग सुनती है। उसे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम सी गोज टू ड्रॉप हर ब्रदर विथ देयर फादर। फिर वो घर का काम खत्म करने के बाद अपने ब्रदर को छोड़ने जाती है। सी देन टेक हर यंगर सिस्टर सुमन एंड सैला टू स्कूल। फिर अपने सिस्टर सुमन और सैला को स्कूल लेकर जाती है। देखिए, ये दीपाली है और इसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। इसके बाद दीपाली अपने मदर के काम में भी मदद करती है। आफ्टरनून सी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। दोपहर को अपने भाई और बहन को स्कूल से घर लेकर आती है। इन द इवनिंग सी प्ले विथ अदर चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड। इसके अलावा शाम को अपने पड़ोस के बच्चों के साथ वो खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मम्मी जब वापस आती है शाम को। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। तो दीपाली अपने मदर की भी खाना बनाने में मदद करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट। उसके पापा रात में घर बहुत लेट से आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल्स बुक। दीपाली रात में बेड में जाकर अपनी सिस्टर के स्कूल के बुक को पढ़ती है क्योंकि उसे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सी हैज स्टडी अप टू क्लास 3 क्योंकि वो क्लास 3 तक की ही पढ़ाई कर पाई थी। 3 years बैक वेन हर 3 साल पहले उसका लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न सी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। 3 साल पहले दीपाली का छोटा भाई पैदा हुआ था तो उसे घर पर ही रुकना पड़ा क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए। सी कुड नॉट स्टडी एनी मोर इसलिए वो स्टडी और नहीं कर पाई थी। सी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू। जब भी वो बुक पढ़ती है तो उसे बहुत रिलैक्स होता है यानी उसे बहुत अच्छा लगता है। Now she is back to school and goes regularly. लेकिन अब वो रोज हर रोज स्कूल जाती है। Number and write. What work does Dipali do in her one house? दीपाली अपने घर में कौन कौन से काम करती है। Preparing food for her younger brother and sister. आप देखें कि वो अपने भाई और बहन के लिए खाना बनाती है। Second है cleaning the house and washing the utensils. वो अपने घर की साफ सफाई भी करती है और बर्तन भी धोती है। थर्ड में है आफ्टर फिनिशिंग द वर्क गोइंग टू लिव्स हर ब्रदर।
सारे काम घर का खत्म करने के बाद वो अपने भाई को स्कूल से लाने भी जाती है। में टेकिंग हर यंगर सिस्टर, अपनी बहन का भी वो ध्यान रखती है। फिफ्थ में है हेल्पिंग हर मदर टू कुक द इवनिंग, और वो अपनी मम्मी के साथ खाना बनाने में भी उनका हेल्प करती है। यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, क्या आप अपने घर में भी काम करते हैं? इफ यस व्हाट, अगर कोई काम करते हैं तो क्या काम करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे लिखना है। आप क्या करते हैं ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। सफाई में मदद करते होंगे, फिर पानी भरने में हेल्प करते होंगे मम्मी का, फिर बेड ठीक करने में भी मम्मी का हेल्प करते होंगे, या और कोई सामान इधर उधर रखा हुआ होता होगा उसको भी आप जगह पे रखते होंगे, और सोफ़ा को भी ठीक करते होंगे, और भी कुछ काम आप अगर करते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ यस व्हाट, घर के काम के अलावा कोई और काम करते हैं तो आपको बताना है, यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि घर के काम के अलावा अगर कुछ सामान मम्मी बोलती है शॉप से लाने तो वो भी आप लाने जाते होगे, या फिर कुछ सब्जी या कुछ भी जो ख़त्म हो जाता होगा तो बोलती होगी मम्मी कि लेके आ जाओ, मिर्ची मसाला कुछ भी वो लेने जाते होगे, तो ये सब भी आप करते होगे, वो यहाँ लिख सकते हैं। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज, शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू देम। आपको यहाँ पर घड़ी में टाइम फिल करना है कि कौन से टाइम में आप क्या काम करते हो, वो यहाँ पे बनाना है। जैसे फर्स्ट, वॉक अप इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में कब उठते हो, वो यहाँ पे टाइम आपको बनाना है। ये आप मैथ्स में भी सीखे हो तो ऐसे 6 o'clock को उठते हो तो 6 o'clock लेना है फिगर यहाँ पर। फिर गो टू स्कूल, आप स्कूल कितने बजे जाते हो, तो अगर 7:30 को जाते हो तो ऐसे लिखना बनाना है। फिर है रिटर्न फ्रॉम स्कूल, और स्कूल से वापस घर कितने बजे आते हो, तो यहाँ पे है 1:30, तो आप अगर 12:30 को आते हो वैसा बनाना। सिट डाउन टू स्टडी एट होम, और घर में उसके बाद आप कितने बजे पढ़ने के लिए बैठ जाते हो, 4 बजे बैठते हो, 4 o'clock, तो यहाँ पे ऐसे बनाना है। फिर गो टू प्ले, खेलने कितने बजे जाते हो, वो यहाँ बनाना है। स्लीप एट नाइट, रात में आप कितने बजे सो जाते हो, तो हम तो यहाँ 10 o'clock बनाए हैं, आप उसी तरह से बने हैं। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू हाउस होल्ड वर्क, वाट वर्क डू दे डू? आपके फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं जो घर का काम करते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, मदर सिस्टर और फादर है, तो मम्मी क्या करती है घर में? ऑल हाउस होल्ड वर्क लाइक प्रिपेयरिंग फूड, घर में जितना भी घर का काम होता है सब कुछ मम्मी करती है और खाना भी बनाती है। सिस्टर वो क्या करती है, मम्मी का हेल्प करती है खाना बनाने में, और दूसरा भी छोटा छोटा काम वो करती है। फादर मतलब आपके पापा का क्या काम है, वो बाहर जाकर पैसे कमाते हैं, ये होता है, वो सब कुछ आपको लाकर देते हैं। नेक्स्ट पेज 88 नंबर में, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी, आपके फैमिली मेंबर में कौन से ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर का नाम लिखना है, जैसे फादर मदर सिस्टर ब्रदर जो भी है वो यहाँ लिख सकते हो, और वो वर्क दे डू, और वो बाहर जाकर क्या काम करते हैं वो लिखना है, अपने मम्मी पापा से पूछना, और फिर वो यहाँ पे आप लिखना। यहाँ पर आपको लिखना है, आपको अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछना है कि वो क्या करते थे जब वो बच्चे थे यानी छोटे थे, तो उनसे यहाँ पर लिखना है आपको पूछकर। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो, उनके पापा थे फार्मिंग का काम करते थे, तो उनके साथ वो कुछ और करते थे, तो वो सब आपको यहाँ पर उनसे पूछकर लिखना है। यहाँ देखो नीचे, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा स्टोरी है जो सरला के बारे में है।
तो सबसे पहले है सरला, क्या बोलती है? सरला आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी द सेम क्वेश्चंस। सरला जब पूछती है अपनी नानी से तो उसकी नानी जवाब देती है कि जब हम बच्चे थे तो हेल्प करते थे, आज के टाइम में हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ता है जैसे ग्रैंड मदर ने अपने बचपन में किए थे। सरला की जो ग्रैंड मदर है वो बताती है कि पहले के समय में लकड़ियाँ इकट्ठा करना पड़ता था, फिर और अपने बड़ों का साथ का हेल्प को हेल्प करना पड़ता था लकड़ी को इकट्ठा करने में, फिर काउ डक से घर का प्लास्टर करना पड़ता था, फिर उस समय स्टोव नहीं था तो लकड़ियाँ लाकर या काउ डक से बनाकर उसको खाना बनाया जाता था उससे। लेकिन वो बद बोलती है कि आज के समय में तो प्लास्टर किया हुआ घर होता है, इसलिए वो सब करने का अभी काम नहीं होता है। पहले के समय में ये सब काम करना पड़ता था अपने घरों को भी साफ रखने के लिए। तो वो अपने चाइल्डहुड में बताती है उसकी ग्रैंड मदर कि हम ये सब काम करते थे। नेक्स्ट पेज में देखिए 89 पेज नंबर में, यहाँ पे बोलता है कि आपने यह भी देखा कि आपने क्या काम किए और आपके एल्डर वो अपने बचपन में क्या काम करते थे, तो क्या कोई चेंज लगा आपको? अगर कुछ चेंज लगा तो इसका आंसर यहाँ पे वो लिखना होगा। इस क्वेश्चन यहाँ पर देखो है, यहाँ बोल रहा है कि दीपाली को स्कूल छोड़ना पड़ा, यानी कि स्कूल का पढ़ाई उसको छोड़ना पड़ा घर के काम के वजह से। तो आप बताओ, आप जो स्कूल नहीं जाते हैं तो वो क्यों नहीं जाते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके घर के पास पड़ोस में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 5 साल का है या 5 साल से बड़ा या छोटा है और वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप कोई दो ऐसे बच्चों से बात करिए और पता लगाइए कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो ब्लैंक है यहाँ पे वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, अगर आपके घर के पास कोई बच्चा है तो उससे वो बच्चा उसका नाम यहाँ पे लिखिए, जो भी है उससे उसका नाम सबसे पहले लिखिए, और फिर रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, और फिर वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, फिर यहाँ पे नेम ऑफ द सेकेंड चाइल्ड, फिर दूसरे बच्चे का नाम यहाँ पे लिखिए, और फिर उससे पूछिए, रीजन पूछिए, उससे जानिए, उससे बात करके कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, उसे स्कूल आने का मन है नहीं है, क्या बोलता है वो सब कुछ यहाँ पे लिखना है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और ये आपका HW है। ओके, आपको किसी से बात करना है दो चिल्ड्रन से, उसके बाद उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है।